मुझे नहीं लगता कि कभी आप जब बैठते होंगे गैदरिंग में तो ये बातें होंगी जो हम करने वाले, क्योंकि हम किसी मकसद से यहाँ जमा होते हैं और कोई ऐसी बात छेड़ते हैं जो अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर कर सकें, और इसी तरह एक इंस्टीट्यूशन बन जाता है, वो छोटी छोटी बातें आपकी ज़िंदगी में लाती हैं बड़ा बड़ा चेंज। आजमा के देखिएगा, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी बातों से जो रोज़ाना लोगों से मिलके मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा और वाकई क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हुई अल्हम्दुलिल्लाह। सो आइए मुलाकात करवाती हूँ आपको कुछ अकलमंद लोगों से जिनकी अम्मियों ने उनकी गुट्ठी में क्या क्या डाला है, आज वो बातों ही बातों में आपकी नजर होगा। वेलकम टू मुनज़्ज़ा आरिफ, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आई एम गुड, बस खास खास लू तो अलाउड है ना, इट्स लाइक इट रन्स इन कराची एंड इस्लामाबाद एंड ऑल ओवर पाकिस्तान। हुमैरा बानो हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है। और फरा नदीम हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। एंड फहीमा आबाद, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक रिदा। ये चार जो लोग अंडर वन रूफ इकट्ठे हुए हैं, ये बड़ी सोच विचार के बाद हुए हैं कि ये वो लोग हैं जिनकी जिनको सिलेक्ट करने की रीजंस है। फॉर एग्जांपल अगर आप, मैं हुमैरा से शुरू करती हूँ। हुमैरा जिस तरह अपनी अम्मी के साथ अम्मी को लेके चली हैं और वो वाली जाहिर है हम तो जानते हैं सबकी जिंदगियों का हाल, किस तरह बैलेंस किया है काम को लेकर एज बेटी को लेकर, और जाहिर है कितनी सारी बातें अपनी अम्मा से सीखी होंगी माशाल्लाह से। सो वो वहाँ से हम बहुत कुछ सीख पाएंगे उनसे। मुनज़्ज़ा जो हैं वो ससुराल, घर, बच्चे, अब तो सास भी, उन सब रिश्तों को लेके जिस तरह चली हैं वहाँ से भी हम बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन कर पाएंगे। फरहान नदीम भी उसी तरह हम देखते आए इनको कि इनके मियाँ इनके साथ, इनको हर वक्त देखते रहते थे इनके साथ साथ शूटिंग पर, हम कहते थे क्या गुट्ठी पिलाई है, वो गुट्ठी आपको सिखानी है, गुट्ठी अभी तक हाँ रही है। वो माशाल्लाह से चल रही है, इस्टैब्लिश बच्चे यंग एज में अपने करियर्स पे खड़े होना। सो आपको सिर्फ एज एक्ट्रेस आप इनको जानते हैं, लेकिन हम इनको एज इंसान जानते हैं और इनकी घरेलू लाइफ हमें पता है। उसी तरह फहीमा हमारे सामने हैं, छोटी सी उम्र में शादी कर ली, सब कुछ छोड़ छाड़ के बस बीवी बहू बन गई, और फिर एक मुश्किल वक्त सहा और अब उससे जूझ रही हैं, और इनकी अम्मी की भी तरबियत है ऐसी। सो यहाँ बहुत अच्छी अच्छी बातें आज आपको सुनने को मौका मिलेगा। हम भी थोड़े से अम्मा कुछ सिखा के चली गई हैं, थोड़ा बहुत अपनी ज़िंदगी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और अगर उस एक्सपेरिमेंट की किसी टिप से आपको फ़ायदा हो जाए तो हमारी सुबह कामयाब होगी इंशाल्लाह, है ना?